नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है कि आईफोन की बैटरी जल्दी ड्रेन क्यों होती है, कब होती है, क्या होता है कि आईफोन की बैटरी जल्दी ड्रेन होने लग जाती है, बैटरी फूल जाती है, ख़राब हो जाती है, किस आईसी से होती है, वो आईसी की टेस्टिंग कैसे होती है, तो पूरी जानकारी देते हैं हम आपको। बने रही है हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिए, जैसे कि डीसी सप्लाई पे जब हम फ़ोन को लगा रहे हैं, ऑन करने पे फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हाई एम्प ले रहा है, नॉर्मल एम्प से डबल एम्प ले रहा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आईफोन का जो चार्जिंग आईसी है, यू2 आईसी है, उसको कैसे चेक किया जाता है। तो एक तरीका तो हमने पहले आपको बता दिया, उसकी एम्प रीडिंग ले। दूसरा है कि उसकी वोल्टेज चेक करें। देखिए, चार्जिंग फ्लेक्स पे पूरी की पूरी वोल्टेज आ रही है जितनी फ़ोन को आनी चाहिए, और जो हमारा बैटरी कनेक्टर है उसके ऊपर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, और VSI लाइन पे भी वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। और तीसरा जो इसका तरीका है सर चेक करने का, वो फ़ोन पे डिस्प्ले लगा लें और बैटरी को उतार दें। फ़ोन को जब आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो फ़ोन पे क्या आना चाहिए वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। देखिए, चौथा तरीका है, फ़ोन को हम जब ऑन करेंगे, देखिए पहले तो हाई एम्प ले ही रहा है लेकिन फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। फ़ोन ऑन होने में कम से कम 2 मिनट ले लेगा अगर आपका यू2 आईसी ख़राब है तो। फ़ोन पे वोल्टेज नहीं आएंगे, फिर बैटरी लगाने पर फ़ोन पे कुछ नहीं आएगा। तीन तरीके तो हो गए, चौथा हो गया आपकी बैटरी पे वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं अगर आपका यू2 आईसी ख़राब है तो। आप बिना फ़ोन को खोले हुए यू2 आईसी चेक कर सकते हैं। देखिए, आपका फ़ोन ऑन होगा नहीं, अगर होगा तो 1.5 मिनट 2 मिनट में आपका फ़ोन ऑन होगा, क्योंकि इसका यू2 आईसी शॉर्ट हो चुका है, यू2 आईसी ख़राब हो गया है। इससे आपका फ़ोन बहुत बैटरी ड्रेन करेगा, बैटरी को ख़राब भी कर सकता है, और चार्जिंग होने में कम से कम 8 घंटे 10 घंटे लगा देगा, और जब आपका फ़ोन बंद हो गया तो चार्ज नहीं हो पाएगा। देखिए, जिन जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलती है कि नई नई वीडियो डालें, लोग पसंद कर रहे हैं। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आपने कुछ भी पूछना है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं सर। तो देखिए, अभी तक फ़ोन ऑन नहीं हुआ है, कम से कम 1-1.5 मिनट हो चुका है। तो चलते हैं, कौन सा फ़ोन का यू2 आईसी होता है हम ये भी आपको बताएंगे, कैसे उसको उतारना है, क्या टेम्परेचर चाहिए, हर एक चीज़ डिटेल में हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए, इसकी शील्ड जो है बड़े प्यार से आपने उतारनी है, इसकी हीट 340-350 पे आप इसको उतार सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको यू2 आईसी की ग्लू रिमूव करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इसकी ग्लू रिमूव होती है, कितना टेम्परेचर चाहिए। 300-280 पे आपने इसकी जो ग्लू कटिंग कर लेनी है सर। तो ध्यान रखना है कि कोई भी कंपोनेंट इसका यू2 आईसी के अलावा उतरना नहीं चाहिए, ब्लेड की मदद से या कटर की मदद से, जिससे भी आपको इजी लगता है आप इसकी ग्लू रिमूव कर सकते हैं। हम तो ब्लेड की मदद से ज़्यादातर कर लेते हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं। टेम्परेचर ग्लू रिमूव का हमेशा रहेगा 280 से 300 डिग्री, बाकी आप रूम टेम्परेचर के हिसाब से, अगर आपके वहाँ पे सर्दी है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, अगर गर्मी है तो टेम्परेचर गिराना होगा। बाकी ग्लू रिमूव आप ध्यान से देख लीजिए कैसे होती है, मैं बड़ी क्लियर आपको दिखा रहा हूँ कैसे ग्लू की कटिंग करनी है। तो इसके बाद हम आपको आईसी उतारेंगे, उतार के दिखाएंगे। जब भी आपने कोई भी आईसी उतारना है, हल्की सी फ्लक्स पेस्ट उसके ऊपर ज़रूर यूज़ करें, और SMD की नोज़ल को घुमाते रहें, एक जगह पे नोज़ल को नहीं टिकाना होता है, घुमाते घुमाते बड़ी इजीली आपसे आईसी ये उतर जाएगा। ये फ़ोन का यू2 आईसी होता है,
देखिए, फ़ोन की बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है या फ़ोन की बैटरी जल्दी फूल रही है, आपने आज बैटरी डलवाई 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 2 महीने 3 महीने में आपकी बैटरी फिर दोबारा ख़राब हो गई है, दुकानदार बोल रहा है कि बैटरी ख़राब है। तो दोस्तों देखिए, आपके फ़ोन का U2IC ख़राब हो चुका है, क्योंकि U2IC हर चीज़ को, बैटरी को मेंटेन करके रखता है। जब ये ख़राब हो जाता है तो बैटरी को ये जल्दी शक करने लग जाता है, बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, जल्दी डाउन हो जाती है। ये IC सबसे मेन कारण होता है फ़ोन की बैटरी को ख़राब करने में या ठीक रखने में, ये IC बहुत काम करता है। तो मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बता दिए हैं, अगर U2 ख़राब होता है तो फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार भाइयों के लिए स्पेशली जो काम करते हैं, जिनको नहीं पता है U2 कैसे चेक करना है, उनको मैंने प्रॉपरली बता दिया है कि आप 4 से 5, आपको मैंने आइडियाज़ दे दिए हैं कि U2 कैसे चेक किया जा सकता है। कई भाई मेरे फ़ोन उनके पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है, वो मैकेनिक डायरेक्टली फ़ोन का U2IC उतार देता है अगर फ़ोन बंद उसके पास आता है या किसी भी प्रॉब्लम में आता है। देखो, सबसे पहले आप उसकी रीडिंग ज़रूर लें, आप चेक करें, उसके बाद ही फ़ोन का U2IC उतारें, पहले U2IC ना उतारें। देखिए, पुराना IC हमने उतार दिया है, नए IC को कैसे इंस्टॉल करना है आपने बड़े ध्यान से देखिए। कम से कम पेस्ट का यूज़ करना है आपने, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पेस्ट लगा देनी है आपने। देखिए, बड़े इजीली तरीके से ये लग जाता है, कोई मुश्किल नहीं होता है इसको लगाना। लगने के बाद क्या रीडिंग चाहिए, कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, बस आप वीडियो पे बने रहिए, पूरी पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद भी आपको किसी चीज़ का डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपका रिप्लाई करूंगा। आपने कोई भी फ़ोन मेरे पास रिपेयर के लिए भेजना है, आप दूर से हो तो मेरे को कोरियर कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए, फ़ोन को रिपेयर करने के बाद जो भी आपने शील्ड उसकी उतारनी है उसको ज़रूर लगाना होता है, ये नहीं है आपने उतार दी फेंक दी, ऐसे नहीं होता है। हर किसी पार्ट का कंपनी ने कोई ना कोई काम रखा हुआ है, इसीलिए कंपनी ने शील्ड को भी लगाया हुआ है। ये आपके फ़ोन को हल्के पानी से सेफ रखता है, अगर फ़ोन गिर जाता है तो मदरबोर्ड ब्रेक नहीं होता है, कई कारणों की वजह से इसको कंपनी ने लगाया होता है, इसलिए इसको दोबारा से इंस्टॉल करना ज़रूरी ही होता है। देखिए, एक एक वायर एंटीना ज़रूरी होता है लगाना, हर चीज़ हर काम परफेक्ट कीजिए, कोई मुश्किल नहीं होता है, 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन आप फ़ोन दोबारा से ख़राब होता है, किसी और की दुकान पे जाता है तो वो बोलता है कि इस पे तो ये चीज़ है ही नहीं, निकाल ली है, तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बैटरी के DC सप्लाई के साथ ऑन करके, आप देखिए क्या एम्प रीडिंग होनी चाहिए। देखिए, अभी 620 से फ़ोन चल रहा है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखिए, और फ़ोन जो है आपका 25 से 30 सेकंड में ऑन हो जाता है, जितना टाइम लगता है उतने में ही ये ऑन हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आपका U2IC ख़राब होता तो ये 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट ले लेता है फ़ोन ऑन होने में। बार बार एप्पल आता है जाता है, आता है जाता है, उस वो भी अगर आ रहा है तब भी हो सकता है U2IC आपका ख़राब हो। देखिए, अभी फ़ोन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 सेकेंड में ऑन हो चुका है हमारा फ़ोन, और देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है अभी फ़ोन। पहले देखिए फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था हमारा। अभी मैं आपको जो इसकी दूसरी टेस्टिंग बता रहा हूँ कि कितने वोल्टेज आने चाहिए, बैटरी ना हो तो क्या आना चाहिए, हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी स्लीप मोड में फ़ोन चला गया है, लॉक लगाने के बाद जो स्लीप मोड में जाना चाहिए फ़ोन हमारा स्लीप मोड में जा रहा है। देखिए, कम एम्प ले रहा है, अभी स्लीप मोड में चला गया है। अभी देखिए फ़ोन की दूसरी टेस्टिंग, जो यूट्यूब की दूसरी टेस्टिंग, पहले हम बैटरी के बिना लगा रहे थे तो कुछ नहीं आ रहा था फ़ोन पे, अभी क्या आना चाहिए। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब आप ऐसे यूट्यूब आपका ओके है तो फ़ोन के ऊपर एप्पल आएगा ही आएगा। देखिए, एप्पल आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपके फ़ोन का U2IC ओके है तो एप्पल आएगा ही आएगा। अभी मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक करके भी बताऊंगा कितनी वोल्टेज आनी चाहिए फ़ोन के ऊपर। देखिए, अगर आपका U2IC ओके है तो आपके फ़ोन पे 375
4, 3, 75, 4 इतनी वोल्टेज आनी ही चाहिए, और VSI लाइन पे 1, 75, 1, 80 इतनी वोल्टेज आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पूरी वोल्टेज हो चुकी है जो कि पहले नहीं थी। अगर आपका U2IC खराब है तो वोल्टेज नहीं आएगी, अगर ठीक है तो इतनी वोल्टेज मिलेगी ही मिलेगी। अभी VSI लाइन पे देखिए कितनी वोल्टेज आ रही है, देखिए उस बैटरी कनेक्टर पे पूरी वोल्टेज मिल गई है।